तुम्हारे जाने का दर्द, तुम्हारे जाने का दर्द मेरी तुम्हारे लिए चाहत को गले लगाने पर आमदा था। चाहत और दर्द, जैसे जैसे तुम्हारा जाने का दर्द मेरी चाहत के करीब आ रहा था, मेरी तुम्हारे से नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थीं। यूं तो चाहत और दर्द में बहुत कम फासला बचा था, यूं तो दर्द और चाहत में बहुत कम फासला बचा था, पर फिर भी मैं तुम्हारे जाने के फैसले को गलत नहीं ठहराना चाहता था। वजह, तुमने तुम्हारे जाने की मेरी कुछ बेफिक्री की आदतें बताई थी। उन्हीं आदतों में मेरी एक आदत तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने की भी थी, जो तुम्हें बहुत पसंद थी। अलग होने पर मैं तुम्हें कोई तुम्हारे पसंद की चीज़ देना चाहता था, तो फिर मैंने अपनी वो आदत जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती थी, उसको हौले से धीरे से तुम्हारे पर्स में रख दिया, इस हिदायत के साथ कि अगर कभी लौटने का मन हो तो मुझसे मत पूछना। क्यों? क्योंकि मेरी हाँ में हाँ मिलाने की आदत, क्योंकि मेरी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने की आदत तुम्हारे साथ ही जा रही है, बस थोड़ा सा ख्याल रखना। रिश्तों की डोर होती हैं ये आदतें, रिश्तों की डोर होती हैं ये आदतें, मिलन से जुदाई तक का छोर होती हैं ये आदतें। मिलन पर जो आदत वफा है, मिलन पर जो आदत वफा है, वक्त के साथ साथ वही आदत हो जाती जफा है। बेवफाई या वफा नहीं लिखती, बेवफाई या वफा नहीं लिखती जुदाई की कहानी, किसको किसकी कितनी है आदत, लिखती है रिश्तों की जिंदगानी। कहते हैं दिन को रात की है आदत, वरना कौन चाहता है अंधेरों में डूब जाना। यूं भी कहते हैं कि रात को दिन की है आदत, वरना कौन चाहता है चांद सितारों और सुकून से भरी जिंदगी को छोड़कर सूरज में जल जाना। हम आपकी और अपनी चाहतों और आदतों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस कॉल के साथ। हेलो, हाय, नमस्कार एंड वेलकम टू द शो दिल की ओपन स्टेज। थैंक यू, थैंक यू। मैं जान सकती हूँ कि मैं किन से बात कर रही हूँ? मेरा नाम शीला गांधी है, मैं शिकागो से बोल रही हूँ। वेलकम टू द शो शीला जी। हाँ जी, थैंक यू। तो आज आप क्या बात शेयर करना चाहते हैं हमसे? मेरे को जॉनी मेरा नाम का गाना सुनना है, बाबुरी प्यारे। अगर आज हम उस नगमे को यहाँ इस महफिल में नहीं रख पाएंगे तो कल जरूर रखेंगे आपके लिए। जरूर, ठीक है। हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया शीला जी, और इसी तरीके से आप अपनी फरमाइश हमसे कहते रहिए और हम आपकी फरमाइशों को पूरा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप अपने हम सफर की कौन सी आदत पर हैं फिदा, या फिर कौन सी आदत पर वो हो जाते हैं आपसे खफा? नोक झोंक के सिलसिले में कैसे चलता है, नोक झोंक में कैसे चलता है चाहत और आदतों का सिलसिला? ना शर्माएं, हमें भी बताएं, वरना हम अपनी कहानी को कैसे आगे बढ़ाएं? आप सोचते होंगे कि अक्सर मैं आपसे आपकी आपस की बातें क्यों पूछती हूँ, क्या करूँ आदत? खैर छोड़िए, हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप अपनों की किस आदत की कैसे करते हैं फिक्र, या फिर अपने अपनों की आदत का करें आप जिक्र, तो हो सकता है कि कोई सुनने वाला ये समझ जाए तो कैसे की जाती है एक दूजे की रिश्तों में फिक्र।
चाहत आदत शरारत, चाहत शरारत नज़ाकत, इन सब की रिश्तों में कितनी है जगह, ये बताती है आपकी आदत। यूं तो हमारी बेफिक्री की आदतों ने तुम्हें हमसे जुदा कर ही दिया था, पर ये क्या, हमारी कलम का सितम देखिए। जब तक मैं तुम्हारे ख्यालों में नहीं डूब जाता, कमबख्त कोई ख्याल ही नहीं कहती, मेरी तरह उसे भी तुम्हारी आदत हो गई है। कहता था ना मैं कि तुम्हें अजनबियों को भी अपना समझ लेने की आदत है। कहता था ना मैं कि तुम्हें अजनबियों को भी अपना समझ लेने की आदत है, तो क्यों ना फिर तुम्हें तुम क्यों ना फिर तुम आज मुझे अपना ना समझकर एक अजनबी ही समझ लो, और थोड़ी सी नज़दीकियाँ एक अजनबी के नाते ही बढ़ा लो। हो सकता है रिश्ते फिर से शुरू हो जाएं। कोई बात, कोई आदत या फिर मेरी खामोशी, कभी तो कुछ तो उसे भी याद आता होगा। आपको किसकी याद, किस आदत की आती है, वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। खामोश न बैठिए, खामोशियाँ जुदाई के दर्द को और बढ़ा देती हैं। हेलो, हेलो, हाय, वेलकम टू द शो दिल की ओपन स्टेज। अच्छा है, बहुत बढ़िया शो है आपका, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैं जान सकती हूँ कि किन से बात कर रही हूँ? मैं प्रबोध हूँ, शिकागो से बात कर रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ टीवी से। हमें बहुत अच्छा लगा, और हम आपकी आवाज के थ्रू आपको देख रहे हैं प्रबोध जी। सही बात है, सही बात, ठीक है। नो, ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड शो, और दिल की बातें जो बताते हैं, दैट इज अ वेरी वेल सेड एंड डन। मैं इसलिए दिल की बातें बताती हूँ कि कोई तार किसी को छू जाए और कोई अपने दिल की बातें हमसे शेयर करे। मुझे आदत है सबकी बातें सुनने। सही बात है, सही बात है। कई दफा दिल टूट चुका है, कई दफा बंद भी हो चुका है, फिर भी जिंदगी तो चली जाती है, बिल्कुल होती है काम से। बिल्कुल। देखिए, टूट चुका है तो उसको किसी की मुस्कुराहटों से जोड़ लीजिए, नहीं तो फिर खुद ही आईने के आगे खड़े हो जाइए और फिर देखिए कैसे दिल जुड़ता है। द रीजन हम बोल रहे हैं आपके साथ। चलिए, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ब्यूटीफुल शो, एंड आप जैसे समय बांधते हो, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से हमारे शो के साथ जुड़े रहिए आप। थैंक यू, शुक्रिया। आदतन आप हमारा इंतज़ार करते रहे, और आदतन हम ब्रेक के बाद वापस आ गए, और आदतन हम अपनी अगली कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं जान सकती हूँ कि मैं किन से बात कर रही हूँ? जी, मेरा नाम रमेश परिहार है जी, और मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। कैसे हैं रमेश जी? आपका, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, और आपका शो बहुत इन्जॉय करते हैं हम सभी लोग, हमारी सारी फैमिली। और जैसे हम कुछ लोग होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं होते, मगर कुछ लोग हम टीवी पिक के ऊपर देख के कुछ लोगों को हम अपने फैमिली मेंबर्स की तरह फील करते हैं, तो आपके आपके शो की हमें हमेशा वेट रहती है कि कब आपका शो आएगा, और एक फैमिली मेंबर की तरह फील करते हैं हम आपको जब हम हमारे स्क्रीन के ऊपर। और हम जब किसी की आवाज़ सुनते हैं तो उसको अपने फैमिली मेंबर की तरह फील करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आज आपको देख के मैम, दो लाइनें मैं जब से शो देख रहा था मेरे मन में गुनगुना रही थी, तो मेरा मन किया कि आज मैं बिल्कुल बिल्कुल इरशाद बिल्कुल जी, ये मेरे दोस्त ने लिखा था जी, फ्रेंड ने लिखा हुआ था गाना, तो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। वो लम्हे वो इशारे जैसे जमीन पे छलकते तारे, वो लम्हे वो इशारे जैसे जमीन पे छलकते तारे, तेरे चेहरे की वो रौनक जैसे जमीन पे
हंसते सितारे वो लम्हे वो इशारे जैसे जमीन पे झलकते तारे। बहुत उम्दा गाते हैं आप। नहीं नहीं आपको वाकई ही इतना गाना आता है। मुझे इतना आता होता तो मैं फिर गाने ही नहीं लगाती बीच में, मैं तो खुद ही गा लेती। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपको मेरी आवाज अच्छी लगी, मगर आपके शो में मुझे गाने का मौका मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप हमारे साथ इस शो के जरिए जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको शो ऐसे ही इस तरीके से हम आगे शो इसी तरीके से लेकर के आते रहें कि आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर कॉलिंग और शुक्रिया एक बार फिर से। हेलो हेलो जी, वेलकम टू द शो राजेंद्र जी, कैसे हैं? यस बिल्कुल ठीक है। मैं ये देख रहा था कि आप दिन-ब-दिन हर व्यूअर की फैमिली में का पार्ट बनते जा रहे हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे हम आपके प्रोग्राम के बिना सुना सुना सा लगता है। मुझे भी आप लोगों से बात किए बगैर सुना सुना सा ही लगता है। देखिए दो दिन मैं लाइव शो नहीं करती हूँ तो एक उदासी सी छा जाती है, ऐसे लगता है कुछ मिसिंग है। तो और एक गाना अगर हो सके, लखनऊ सेंट्रल का गाना है ओके, अरिजीत सिंह का रंगदारी। रंगदारी ठीक है, कोशिश नई मूवी है लखनऊ सेंट्रल। हाँ जी हाँ जी राजेंद्र जी, कोशिश करूंगी पूरी कि आगे आने वाली कहानी में आने वाले प्रोग्राम में कहीं भी लगा दो, बड़ा अच्छा गाना है। हाँ जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, गुड लक, थैंक यू सो मच। अभी तो बात हम आदतों की कर ही रहे थे कि लेकिन क्या करें, वक्त भी अपनी आदत से मजबूर है। कहते हैं कि वक्त की भी आदत आदमी सी होती है, कहीं रहता नहीं टिककर। और वक्त कहता है कि आज अपनी यहाँ बैठे रहने की आदत को छोड़िए और आगे बढ़िए ताकि सब लोग अपने अपने और भी काम करें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपके शो से जुड़े रहेंगे। आप हमसे ऐसे ही बातें करते रहिए। अगर इस पर नहीं करनी तो info@justbroadcasting.com पर करते रहिए और प्यार देते रहिए, हमसे शेयर करते रहिए अपने दिल की बातें। मिलेंगे कल फिर इसी वक्त इसी जगह। शब्बक है।